नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपको सबको पता होगा राजस्थान पुलिस के अंदर कांस्टेबल की 3578 पदों पर भर्ती आई है, जिसके फॉर्म है दोस्तों वो 7 तारीख से स्टार्ट भी हो चुके हैं। लेकिन ज्यादातर का मेरे पास कमेंट आ रहा है, ज्यादातर का मेरे पास डाउट आ रहा है कि हमको कौन से जिले से फॉर्म भरना चाहिए जिससे हम आराम से सिलेक्शन ले सके। और बहुत का डाउट ये भी आ रहा है कि आपको सबको पता होगा कि फिजिकल के लिए 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, तो हम कौन से जिले से फॉर्म भरे जिससे हम 15 गुना के अंदर शामिल हो सके। क्यों? क्योंकि हमारे 12th लेवल सिटी में थोड़े से कम नंबर बढ़ रहे हैं, तो हम कौन से जिले से फॉर्म भरे, तो हमको जिला बता दो कि उस जिले से हम फॉर्म भर देंगे तो हम सिलेक्शन ले सके। तो आप उसी मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको फॉर्म है वो कहाँ से डालना है, फॉर्म भरते टाइम कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, और यदि आप उन जिले से फॉर्म भरते हो तो सिलेक्शन के चांस है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। इसके अलावा दोस्तों इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस किस के चांस बढ़ रहे हैं कि वो विद्यार्थी 15 गुना के अंदर शामिल हो सकता है। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि फिजिकल के लिए जो भी दोस्तों फॉर्म आएंगे वैकेंसी का, 15 गुना विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो सीईटी में कितने नंबर वाला बच्चा है वो बिल्कुल सेफ है, जिसको फिजिकल के लिए तैयारी करनी चाहिए और फिजिकल के लिए जिसको बुलाया जाएगा, तो उस मुद्दे पे भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना, और चैनल पे पहली बार हो और आप जोरदार तरीके से तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं किस किस को फॉर्म डालना चाहिए। दोस्तों जो क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इन कैटेगरी से आप आते हो, और 12th लेवल सिटी में यदि आपके 40% नंबर बन रहे हैं तो आप सभी को फॉर्म है वो डालना है पुलिस कांस्टेबल का। आगे मैं आपको बता दूं, यदि आप एससी एसटी से आते हो और 36% नंबर भी बन रहे हैं तो उन सभी को भी फॉर्म है वो डालना है। इसके अलावा टीएसपी एरिया से आप आते हो और आपके 30% भी नंबर बन रहे हैं तो आप सभी को फॉर्म डालना है। तो जो भी क्राइटेरिया रखा गया है सीटी के अंदर, यदि आपके उतने नंबर बन रहे हैं तो आपको डेफिनेटली फॉर्म तो डालना है। आपको ये नहीं सोचना कि मैं 15 गुना के अंदर शामिल नहीं हूँ क्योंकि मेरे कम नंबर बन रहे हैं, तो आपके थोड़े बहुत कम नंबर भी बन रहे हैं, जितने मांगे गए हैं उतने नंबर भी बन रहे हैं, तब भी आपको फॉर्म तो जरूर अप्लाई करना है। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है, मुद्दा यही आ रहा है कि कौन से जिले से फॉर्म भरे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आपका डाउट क्लियर कर देता हूं कि आपको कौन से जिले से फॉर्म भरना चाहिए। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप बहुत यूट्यूबर वालों की वीडियो देख रहे होंगे, वो जो जिले बता रहे हैं वो ऐसे जिले भी बता रहे हैं जहां पर बहुत कैटेगरी की पोस्ट ही नहीं है। मतलब कि ऐसे जिले भी है जहां पर ओबीसी की पोस्ट नहीं है, ऐसे जिले भी हैं जहां पर ईडब्ल्यूएस की पोस्ट नहीं है। तो आपको ऐसे जिलों से फॉर्म नहीं भरना जहां पर जीरो पोस्ट है। यदि आप ऐसे जिलों से फॉर्म भर देते हो जहां पर आपकी कैटेगरी की जीरो पोस्ट है और आपकी एज है वो जनरल कैटेगरी के क्राइटेरिया है ना उससे ज्यादा है, आपने एज में छूट ली है, तो आप जनरल के अंदर भी नहीं आ सकते। तो आपका जो फॉर्म है, आप एग्जाम तो देने जाओगे लेकिन जो आपका रिजल्ट आएगा ना उसके अंदर आप चाहे कितने भी नंबर लेके आओ आपको पास नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि आपने जहां से फॉर्म भरा है वहां पर आपकी जो कैटेगरी है उसकी पोस्ट ही नहीं है। तो आपको दोस्तों क्या ध्यान रखना है, अभी आपको दोस्तों राजस्थान पुलिस की जो मेन साइट है उसके ऊपर जाना है, वहां पर से आपका जो नोटिफिकेशन है, जो आपकी विज्ञप्ति आई है उसको डाउनलोड करनी है, और आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आप आते हो उस कैटेगरी पर आपको एक लिस्ट बनानी है, हर जिले की लिस्ट बनानी है कि कौन से जिले में कितनी पोस्ट है आपकी कैटेगरी की, यह आपको लिस्ट बनानी है। और उसके बाद में आपको क्या ध्यान देना है उसके बारे में सुन लो दोस्तों, आपको फॉर्म में वो कहाँ से डालना है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, वो ध्यान रखनी है कि आपको फॉर्म ऐसे जिले से डालना है जहां पर आपकी कैटेगरी की पोस्ट हो। मतलब कि ऐसे जिले से फॉर्म मत भर देना जहां पर आपकी पोस्ट ही नहीं है, तो आपको क्लियर बाहर कर दिया जाएगा, आपको पास है नहीं किया जाएगा। चाहे आप कितनी अच्छी तैयारी हो, चाहे आप कितने अच्छे नंबर लेके आओ, आपको फेल कर दिया जाएगा। तो आपको पहले मैंने आपको बता दिया है ऐसे जिले से फॉर्म भर रहे हैं जहां पर आपकी कैटेगरी की पोस्ट हो। दूसरे नंबर पे दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है, आपको पता चल जाएगा कि कौन से जिले में आपकी कितनी पोस्ट है, या आप नोटिफिकेशन में जाके पढ़ लेना। तो वहां पर दोस्तों आपको फॉर्म भरना है जहां पर थोड़ी अच्छी खासी पोस्ट हो। आप ऐसे जिले से फॉर्म मत डाल देना जहां पर एक पोस्ट हो, दो पोस्ट हो, तीन पोस्ट हो, वहां पर सिलेक्शन के चांस बहुत कम होते हैं। तो आपको फॉर्म है ऐसी जगह से डालना है
जहां पर थोड़ी अच्छी खासी पोस्ट हो। क्यों? क्यों मैंने आपको बता दिया है कि वैकेंसी का 15 गुना विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और यदि आपके 12th लेवल सिटी में कम नंबर बन रहे हैं और आपने ऐसे जिले से फॉर्म भर दिया जहां पर एक दो ही पोस्ट है, तो बहुत कम चांस बनते हैं कि आप वहां से सिलेक्शन ले सको। तो मैंने आपको बता दिया है फॉर्म आपको ऐसी जगह से भरना है जहां पर थोड़ी अच्छी खासी पोस्ट हो। आगे दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको ऐसे जिले से भी फॉर्म नहीं डालना जहां पर बहुत ज्यादा पोस्ट है, क्योंकि अब की बार दोस्तों क्या होगा, सिर्फ आप एक ही जिले से फॉर्म डाल सकते हो, तो ज्यादातर बच्चे है ना वहां से फॉर्म डालेंगे जहां पर बहुत ज्यादा पोस्ट है। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आपको ऐसे जिले से फॉर्म डालना है जहां पर मीडियम लेवल की पोस्ट हो, ना तो कम हो ना बहुत ज्यादा हो। यदि आपके 12th लेवल सिटी में कम नंबर बढ़ रहे हैं तो आपको ऐसे जिले से फॉर्म डालना है जहां पर अच्छी खासी पोस्ट हो। इसका पता कहां से चलेगा? नोटिफिकेशन में जाके पढ़ो। मैं भी आपको जिले बता सकता हूं, जैसे और बता रहे हैं कि 5 जिले मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से एक भी जिले से फॉर्म भर दोगे तो सिलेक्शन ले जाओगे। लेकिन यदि आपका वहां से सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप किसको गाली दोगे? मुझे गाली दोगे? तो मैं आपको जिले तो नहीं बताऊंगा कि फलाने जिले से फॉर्म भर दो, लेकिन इतना जरूर बता देता हूं कि आपको फॉर्म कहां से डालना है। फॉर्म भरते समय आपको इस बात पे भी ध्यान देना है कि यदि आपके जिले में, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में यदि थोड़ी बहुत अच्छी खासी पोस्ट है तो आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही फॉर्म लगाना है, किसी दूर जिले में नहीं जाना पड़े नौकरी करने के लिए, जिससे यदि आपकी नौकरी भी लग जाए तो आप समय अपने परिवार को भी दे सको। तो आपको ऐसे जिले भी चूज करने हैं। यदि आपके जिले के अंदर अच्छी खासी पोस्ट है तो आपको अपने जिले से फॉर्म भरना है। यदि आपके जिले में ही पोस्ट नहीं है तो आप जो भी आपके नजदीकी जिला है वहां से आप फॉर्म डाल सकते हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या क्या बताया है, पहले नंबर पे आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है नोटिफिकेशन में देखकर कि आपकी कैटेगरी की किस जिले में कितनी पोस्ट है। दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे जिले से फॉर्म भरना है जहां पर थोड़ी सी अच्छी खासी पोस्ट हो। तीसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि ऐसे जिले से फॉर्म मत भर देना जहां पर 0 पोस्ट हो और 1 पोस्ट हो, क्योंकि वहां पर सिलेक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसके अलावा आपको ऐसे जिले से फॉर्म डालना है जो आपके नजदीक हो, नौकरी करने में कोई दिक्कत नहीं आए, अपने परिवार को आप समय दे सको, तो ऐसे जिले से आपको फॉर्म है वो डालना है। तो मैंने आपको जो भी बताया है इन बातों का ध्यान रखना, आप एक लिस्ट तैयार करना जो भी आप जिले से फॉर्म भरना चाहो। तो नौकरी आपको करनी है, बहुत ये बोलेंगे कि आप जिला बता दो, भाई मैं तो कोई भी जिला आपको बता दूंगा जहां पर अच्छी खासी पोस्ट है, लेकिन नौकरी मुझे थोड़ी आपको करनी है। तो आप खुद चूज करो कि आप क्या करना चाहते हो। तो जो भी मैंने बातें बताई है इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप जिस भी जिले से फॉर्म डालना चाहते हो इन सभी बातों को ध्यान रख करके फॉर्म आप डाल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बहुत ये भी बोल रहे हैं कि 15 गुना के अंदर कौन कौन शामिल हो सकता है, 12th लेवल सिटी में कितने नंबर वाला बच्चा है जिसको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों मैंने पहले ही आपसे बता रखा है कि यदि आपके 150 से लेकर 160 के बीच में अंक बन रहे हैं तो चांस बन रहा है कि आपको फिजिकल का कॉल जरूर आएगा। यदि 160 के आसपास नंबर बन रहे हैं ना जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी कैटेगरी से, तो आपको डेफिनेटली फिजिकल का कॉल आने वाला है। तो फिजिकल की तैयारी करो। एससी एसटी और फीमेल, ऑल फीमेल कैटेगरी से आप आते हो और 150 के आसपास अंक बन रहे हैं तब भी आपको फिजिकल का कॉल आने वाला है, तो आप इतने नंबर बन रहे हैं तो फिजिकल की डेफिनेटली आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को जो भी आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।